हम एक्चुअली मेरी बहन लापता थी 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए वो लापता थी, और हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे. हमें 24 घंटे के बाद संडे को, रविवार को सुबह ये न्यूज़ आई थी कि उनकी बॉडी आइडेंटिफाई की गई है, बिकॉज उन पर गोली चलाई गई टेररिस्ट, ये हमास के टेररिस्ट ने. मेरे परिवार के लोग, मेरी बहन एक्चुअली अजदोद से रखोवत की तरफ जा रही थी, और ये अजदोद में हुआ है. जी, ये हमला उस वक्त हुआ। वो एक्चुअली पहले ऑफिसर्स के कस्टडी में थे, उन्हें वापस हमारी फैमिली को लौटाए गए हैं, तो अभी वो फिलहाल फैमिली के साथ है, बिल्कुल सेफ है, परिवार के साथ है, और मैं अपने परिवार के साथ लगातार संपर्क में हूँ. और ये सिचुएशन काफी खराब होते जा रहा है, और हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो मानसिक रूप से ठीक है, सुरक्षित है. अभी फिलहाल जो परिस्थिति है वो काफी बुरी है, और बस मैं यही कह सकती हूँ कि यही समय है जब हम आवाज अपनी उठा सकते हैं, हम लोगों को ये बता सकते हैं कि सच क्या है, क्योंकि ये हम पर बीतती है, मेरे परिवार में ये चीज हुई है, और मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि टेररिस्ट और आतंकवादी सामने वाली औरत है, या बच्चे हैं, या बुजुर्ग हैं, ये चीज बिल्कुल हुई है, ये बिल्कुल गलत न्यूज है. ये मुझे मिसकोट किया था हिंदुस्तान टाइम्स ने, मैंने उनको ये भी कहा है कि ये निकाल दो, ये गलत न्यूज है. मेरे बाकी के फैमिली मेंबर्स ठीक हैं, इसराइल में हैं, और ये गलत न्यूज है, ये मिसकोटेशन है. यानी कि आपके परिवार का कोई भी और शख्स लापता नहीं है। नहीं, क्या आपके परिवार के और भी लोग वहां पर रहते हैं जो आपकी जानकारी में हैं? जी अभी सेफ्टी रीजंस के लिए मैं ये डिटेल्स नहीं बोल सकती. ठीक है। मधुरा, क्योंकि जिस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं पूरी दुनिया देख रही है, और आपने एक सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया था जिसमें आपने बताया कि आपके परिवार के साथ क्या हुआ, क्या उसके बाद जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं कि बच्चों की कस्टडी जो है वो फैमिली को दी जा चुकी है, लेकिन क्या अपने परिवार की सेफ्टी के लिए क्या भारत सरकार या भारत एम्बेसी से आपकी किसी तरीके की कोई बातचीत हुई है, कोई मदद आपको अब तक दी गई है? प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे फैमिली के लोग, परिवार के लोग जो वहाँ रहते हैं, वो इजरायली नेशनल्स हैं, तो उनको फिलहाल इजरायली गवर्नमेंट से ही बात करनी पड़ेगी. बट अगर ऐसा समय आ जाता है तो हम, बिकॉज दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, हम अपने अथॉरिटी से बात करके हम चाहेंगे हम उनकी हेल्प कर सकें. मधुरा, क्या आपकी भारत सरकार से कोई मांग है? क्योंकि जिस वक्त आप मुझसे बात कर रही हैं, देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज़ चैनल है, बहुत करोड़ों की संख्या में लोग इसे देखते हैं, और इसीलिए हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचाई जाए। क्या आपकी कोई भारत सरकार से मांग है? अभी फिलहाल जो ऑपरेशन अजय चल रहा है वो जी मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, जो वहाँ पे इंडियंस हैं, जो सारे इंडियन ओरिजिन के लोग, इंडियन नेशनल के लोग जो हैं, जो वहाँ पर है. मैं बस यही चाहती हूँ कि भारत सरकार जो भारतीय मूल के लोग भी हैं उनको भी सुरक्षा दें, यहाँ पर भी वहाँ पर भी जो हेल्प कर सकें. स्पेशली इंडिया में, हिंदुस्तान में भी काफी इंडियन ओरिजिन भारतीय मूल के जूस हैं, जो महाराष्ट्र, कोचिन, अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं. मैं ये चाहती हूँ कि भारत सरकार हमारी भी हेल्प करे, हमें भी वो सपोर्ट दे जो अभी विच इज नेसेसरी राइट नाउ. और मैं भारत सरकार का बिल्कुल धन्यवाद करना चाहती हूँ फॉर ऑपरेशन अजय. ये ऑपरेशन अजय से ये काफी ऑब्वियस है कि हमारे देश के समर्थन और दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है ये, जो
अभी फिलहाल ऑपरेशन अजय हो रहा है। सो मैं बस ये चाहती हूँ कि भारत सरकार हमें सपोर्ट करती रहे और जो नेसेसरी है अभी फिलहाल फॉर प्रोटेक्शन फॉर सेफ्टी ऑफ आवर पीपल दे शुड जस्ट अबाइड बाय इट। बिल्कुल मधुरा, और भारत सरकार आपके साथ है इस दुख की घड़ी में, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। मधुरा, क्या आपको याद है कि आपकी आपकी बहन और आपकी जीजा से आखिरी बात कब हुई थी? उन्होंने इसराइल संकट के बारे में, जो स्थिति बनी हुई है उसके बारे में आपको कुछ बताया हो? मैं जब मई में वहाँ इसराइल में थी तब मैंने खुद ये अपनी आंखों से देखा हुआ है। उसी उस टाइम पर भी काफी बॉम्ब ड्रॉपिंग हो रहे थे तो उस समय भी स्थिति काफी भयानक थी। और ये इसराइल का अनफॉर्चुनेटली ये इसराइल का सच है। और अभी ये जो लड़ाई हो रही है वो दिस 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 वॉर इज नॉट अ नॉर्मल वॉर, ये आतंकवाद है और ये बिल्कुल कंडेम होना चाहिए। बिल्कुल मधुरा, और हर कोई यही चाहता है कि देखिए आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया। जैसे एक आखिरी सवाल मधुरा मेरा आपसे ये है, क्योंकि आपने इस बात की भी जानकारी दी है कि आपको सोशल मीडिया पर लगातार धमकियां दी जा रही हैं, किस तरीके की धमकियां आपको दी जा रही हैं? जी जब मैंने ये पोस्ट डाला था मैं दुनिया को ये बताना चाहती थी कि ये सच है और ऐसा हो रहा है जहाँ पे टेररिस्ट आतंकवादी छोटे बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, बुजुर्गों को मार रहे हैं। और ये सच बताने के कॉन्सिक्वेंसेस जो मैं फेस कर रही हूँ, अभी भी फेस कर रही हूँ, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ जी कि जो लोग हैं मैंने देखा है कि काफी हेटरेड हिंदुस्तानियों से भी आ रहा है, अलग अलग देशों से भी आ रहा है जो हिंदुस्तान को घेरे हुए हैं। ये लोग फिलिस्तीनी लोग नहीं है जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, ये हिंदुस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है। मुझे बहुत ज्यादा हेट्रेड आया है, बहुत ज्यादा नफरत के मैसेजेस आए हैं, थ्रेट्स आए हैं। ये जो लोग मुझे लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये जो आतंकवादियों ने प्रदर्शित किया है वो स्वतंत्रता सेनानी है। अब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आतंकवाद स्वतंत्रता के नाम के ऊपर आतंकवाद नहीं चलता। जी जो फ्रीडम फाइट होती है वो बिल्कुल नॉन वायलेंट होनी चाहिए, कोर्ट रूम्स में फाइट होनी चाहिए, लीगल तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है। ये जो बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, बुजुर्गों को किडनैप करके ले जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी नॉर्मल चीज नहीं है, ये आतंकवाद है। और इसको स्वतंत्रता सेनानी बोलना ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। ये बिल्कुल मधुरा, और समझा जा सकता है और कि ये वो समय है, ये जी वो समय है जब सारी सीमाएं टूट चुकी हैं, जितनी सीमाएं होती है वो सारी तोड़ दी है। और ये लोगों को दिखाना बहुत आवश्यक है